अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिदा खानम है। मैं ये कोशिश मैंने लास्ट ईयर से स्टार्ट किया था, तो इंशाल्लाह रहमान अभी तक बहुत अच्छा रहा। वालेकुम, मेरा नाम सुराया है, मैं बीए कर रही हूँ और उसके साथ साथ शाहिदा खानम ने यहाँ पे सेंटर खोला है कि ताकि हम अपनी लाइफ में खुद कुछ कर पाएँ। हमारे कल्चर में तो मुझे लग रहा है कोई ऐसी बात नहीं है जिससे हम लोग इसको छोड़ें। ये खूबसूरत है और खूबसूरत रहेगा। अभी जो लास्ट ईयर का बैच था वो ख़त्म हो गया, उसमें कम से कम 40-45 लड़कियां थी। जम्मू कश्मीर में गुज्जर समुदाय की घटती विरासत को सुरक्षित रखने के सराहनीय प्रयास में बांदीपुरा की आदिवासी लड़की ने बांदीपुरा में पहला आदिवासी संग्रहालय स्थापित किया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द खबरदार न्यूज में, मैं हूं आपके साथ शिवम कुशवाहा। जम्मू कश्मीर में गुज्जर समुदाय की घटती विरासत को सुरक्षित रखने के सराहनीय प्रयास में बांदीपुरा जिले की अरगांव गाँव की 27 वर्षीय आदिवासी महिला शाहिदा खानम ने क्षेत्र का पहला जनजाति संग्रहालय और कौशल स्थापित किया है। गुज्जर और बेकर वालों की अनूठी संस्कृति को सुरक्षित करने पर केंद्रित शाहिदा की पहल प्राचीन अनुसूचित जनजातियों द्वारा सामना किए जाने वाले सांस्कृतिक क्षरण के खतरे को संबोधित करती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिदा खानम है। मैं ये कोशिश मैंने लास्ट ईयर से स्टार्ट किया था, तो इंशाल्लाह रहमान अभी तक बहुत अच्छा रहा। फुली सपोर्ट रहा सबका, जो जो चीज़ें नहीं बन रही थी उनको बनाने में सारे लोग मेरे साथ जुड़ के, हमारे गांव के लोग जो हैं वो मेरे साथ जुड़ के ये काम अब कर रहे हैं कि हम लोग अपने कल्चर को बचा लें। अभी जो लास्ट ईयर का बैच था वो ख़त्म हो गया, उसमें कम से कम 40-45 लड़कियां थी, तो जो नया बैच है वो स्टार्ट हो गया, उसमें अभी नए से लड़कियाँ एडमिशन कर रही हैं। लगता क्या हो रहा है, हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया। हमारा जो ट्राइबल्स के ड्रेस थे या ट्राइबल्स का जो पहनावा वगैरह था वो तो ख़त्म हो गया है। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसको फिर से ज़िंदा करूँ। एक के लिए अपना जो कल्चर है वो देखना चाहिए कि हम किस चीज़ से हमारा कल्चर क्या है, हमारा पहनावा क्या है, जो हमारे बुज़ुर्ग थे, जो हमारी जा चुके हैं, जो वो लोग क्या पहनते थे। हमारे कल्चर में तो मुझे लग रहा है कोई ऐसी बात नहीं है जिससे हम लोग इसको छोड़ें। ये खूबसूरत है और खूबसूरत रहेगा। इस बार जो भी शादियां हुई हैं हमारे गांव में, जो भी सभी दुल्हनों ने अपना कल्चर पहना है, सभी दुल्हनों ने। मीडिया से बात करते हुए शाहिदा खानम ने कहा कि अपने संग्रहालय में पारंपरिक चीज़ों को सुरक्षित करने के अलावा वह स्थानीय आदिवासी लड़कियों को सोजनी, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, डिजाइनिंग और पारंपरिक आभूषण तैयार करने का औपचारिक प्रशिक्षण देती हैं। पिछले 10 महीनों में उनके केंद्र ने 40 से अधिक लड़कियों को सशक्त बनाया है। न केवल उनकी सांस्कृतिक जड़ों को संरक्षित किया है बल्कि उन्हें आजीविका कमाने में भी सक्षम बनाया है। शाहिदा का सपना अधिक आदिवासी लड़कियों तक पहुंचने और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम का विस्तार करने का है। केंद्र न केवल पारंपरिक शिल्प सिखाता है बल्कि फैशन डिजाइनिंग जैसे आधुनिक तत्वों को भी शामिल करता है, जिससे लड़कियों को अपनी विरासत को संजोते हुए समकालीन रुझानों को अपनाने की अनुमति मिलती है। शाहिदा के संग्रहालय संग्रह में पारंपरिक आभूषण जैसे सिक्के, पोशाकें, मिट्टी के बर्तन और अन्य वस्तुएं शामिल हैं जो पैतृक जीवन शैली की झलक प्रदान करती है। वालेकुम, मेरा नाम सुराया है, मैं बीए कर रही हूँ और उसके साथ साथ शाहिदा खानम ने यहाँ पे सेंटर खोला है कि ताकि हम अपनी लाइफ में खुद कुछ कर पाएँ, अपने पैरों पर खुद खड़ा हो पाएँ। तो हम भी चाहते हैं कि ना हम अपनी लाइफ में कुछ करें, तो हम शाहिदा खानम के बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें ऐसा मौका मिला कुछ सीखने का। हम यहाँ पे टेलरिंग सीखते हैं और उसके साथ साथ हम बहुत कुछ यहाँ पे सीखते हैं, जैसे कि अपने कल्चर के फ्रॉक्स बनाना, अपने कल्चर के लिए बहुत कुछ हम सीख रहे हैं। तो शाहिदा खान भी चाहती है हम अपने कल्चर को बढ़ावा दें, हम भी चाहते ना हम भी अपनी लाइफ में कुछ करें, हम अपने कल्चर को आगे लेके जाएं। एक स्थानीय लड़की से गुफ्ता ने कहा, हम अलग अलग कौशल सीखते हैं जो ना केवल हम जैसी गरीब लड़कियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा बल्कि यह हमारी परंपरा को संरक्षित करने का भी तरीका है, हमें यह सीखना पसंद है। जम्मू कश्मीर से हमारे रिपोर्टर लोन सोनेवाल की रिपोर्ट, बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ।